कोटा के रेलवे स्टेशन के मेन रोड पर ज्वेलरी शोरूम पर चोरों ने सेंध मारी की है। चोर ज्वेलरी शोरूम पर छत की तरफ से आए और सीढ़ियों पर दीवार में बड़ा होल कर अंदर घुसे। चोरों ने दीवार को हथौड़े से तोड़ा और वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात का पता सुबह उस वक्त चला जब दुकान के पास से ऊपर ब्यूटी पार्लर में जा रही सीढ़ियों वाला शटर दीवार के टूटे मलबे से दबने से नहीं खुला। थोड़ी मशक्कत के बाद जब शटर ऊपर हुआ तो ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी का पता चला। जिस तरह से ये वारदात हुई उससे तो लगता है कि पूरी वारदात रैकी के बाद की गई है और चोरों की संख्या भी एक से ज्यादा हो सकती है। हालांकि सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में सिर्फ एक ही चोर दिखाई दिया है। ज्वेलरी शोरूम के मालिक और पुलिस के मुताबिक शोरूम से कितने गहने और नकदी चुराई गई है इसका अभी पता नहीं चला है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर यहां से लाखों की ज्वेलरी चोरी करके ले गए हैं। वारदात की सूचना के बाद पुलिस आला अधिकारियों और एफएसएल की टीमों ने बारीकी से पड़ताल करते हुए मौके से सबूत जुटाए हैं। साथ ही पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मैं आया तो पड़ोस की दुकान में शटर नहीं खुल रहा था, उसको देखा तो अंदर से बंधा हुआ था, खुला नहीं, तो उसमें कुछ डाल के हमने कुछ फंस रहा होगा। देखा तो उसमें से सामान निकला हमारा, ईट रेत निकली, तो एकदम डाउट हुआ सामान कैसे आया। शटर खोला तो देखा तो अंदर लग रहा है ऊपर से आए, ऊपर से आए, ऊपर से तो पीछे से आए, ऊपर से। सीसीटीवी में कितने लोग नजर आ रहे हैं? अभी तो एक ही लोग नजर आ रहा है। अच्छा, कितना गया होगा लगभग? लगभग कुछ नहीं पता सर, अभी हाथ ही लगा दिया, कुछ लाखों में कह सकते हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता सर, अभी क्या गया मुझे नहीं पता। चांदी वगैरह तो पीछे पड़ी मिली है, मैं वही कह रहा था, माला भी सारा बिखरा पड़ा, मुझे नहीं पता। केस भी था कुछ? केस तो गल्ले में था, बस वही गया। और मुझे कुछ नहीं पता सर, कह रहा हूँ मैं। थाना भीमगंज मंडी इलाके में बजरिया इलाका है जहाँ पे पारस ज्वेलर्स की दुकान है, उसमें चौथी मंजिल से जो है कोई सीढ़ियों के जरिए कोई आदमी उतरा और उन्होंने दीवार की जो दीवार है दुकान की उसको तोड़ के और ज्वेलरी ले गया है। अब पता लगा रहे हैं, एफएसएल की टीम आ गई यहाँ पे, डॉग स्क्वाड बुला लिया और यहाँ पे एमओबी की टीम आ गई। मैंने रेलवे कॉलोनी एसएचओ भीम मंडी इंचार्ज सभी ने मौका मुआयना कर लिया है। पता लगा रहे हैं कि ये वारदात किसने की है और जल्दी पता लग जाएगा इसमें। सर कितने लोग घुसे होंगे लगभग, कितने चोर घुसे लगभग? अभी संख्या के बारे में नहीं कह सकते, पर यह जरूर है कोई न कोई आदमी जिसने पहले रेकी की है और वो जानकार आदमी है। तो सर कुछ पता चला है प्रथम दृष्टि कितना माल गया होगा? नहीं, माल की अभी इन्होंने कोई सूची नहीं दी है, इनको भी अभी नहीं पता है, तो ये लिस्ट देने के बाद पता लगेगा क्या सामान गया। इसके बारे में बताया? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया इन्होंने, अभी तो ये सारी रिपोर्ट आप देंगे। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।